हाँ तो भाई मेरे बजट गेमर्स, क्या हाल है गाइस, हाउ यू। तो भाई बहुत सारे बंदों का ये डाउट रहता है कि बजट किंग में मेरे को 4 फैन या फिर 3 फैन, 2 फैन के कैबिनेट रहे, ये वाला कैबिनेट कर दो, वो वाला केस कर दो, लाइक केस कैबिनेट द सेम थिंग। बजट किंग और GTA 5 एंट्री लेवल बैटरी लो। बजट किंग और GTA 5 एंट्री लेवल, जितने भी मोस्टली APUs बिल्ड हैं, APU बिल्ड जितने भी हैं, चाहे वो बजट APU बिल्ड हो या जैसे अभी बिल्कुल लेटेस्ट आया, आज पहला बिल्ड हुआ था 465G का, क्योंकि तो बहुत एक्सपेंसिव APU है बट बहुत कैपेबल APU है। बाकी डिटेल में जाएंगे, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे 465G पे, नेक्स्ट जनरेशन के APU पे। अभी इस पे बात कर लेते हैं। तो अब ये बजट किंग में एनटेक GX202 कैबिनेट एक लास्ट पीस पड़ा था, तो हमने वेबसाइट पे जो है लिस्ट कर दिया। अब इसमें भी जो है 2 LED फैन, RGB नॉर्मल LED फैन है और फ्रंट में रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वो लाइट ब्लू का कलर फिक्स है। और जो बैक साइड में जो फैन है, रियर एग्जॉस्ट जो फैन है, वो नॉन LED या नॉन RGB, उसमें कोई कलर नहीं, नॉर्मल फैन है 120mm का। अब 3 फैन हो गए इसमें। वो बहुत से इसको भी बोलते हैं कि ये कैबिनेट सही नहीं है, मेरे को तो NX210 210 ही चाहिए। उसमें 4 जो है फैन है प्री इंस्टॉल्ड और चारों जो है RGB है, चेंज कर सकते हो आप बटन से RGB को। लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि 3200G और 3400G जो ये APUs हैं, Ryzen 3 और Ryzen 5 अकॉर्डिंगली रेस्पेक्टिवली जो भी आप बोलो, तो उनमें आपको इतना तगड़ा कूलिंग सिस्टम नहीं चाहिए। कोई ग्राफिक्स कार्ड इसमें है नहीं इनबिल्ट, आप जिसको बोलते हो वो ग्राफिक्स हैं, एक CPU और GPU का मिक्सचर, दैट्स कॉल्ड APU, ठीक है। इसमें ज्यादा आपको कूलिंग का कुछ नहीं। अगर एक सिंपल सा बेसिक कैबिनेट जिसमें पीछे एक नॉर्मल पीछे बैक साइड में रियर साइड में एग्जॉस्ट 120mm फैन भी हो, वो भी चलेगा, वो अगर RGB है दैट्स गुड। बट आई हैव सीन कि बजट किंग में बोल रहे हैं 500MT लगा दो, डीप कूल मैट्रिक्स लगा दो, तो वो चीज फिर आप अपना बजट ही बढ़ा रहे हो। वो तभी कामयाब है, तभी बढ़िया है वो कैबिनेट या वो केस, जब फ्यूचर में आप है कि मेरे को ये पूरा का पूरा जो है कंपोनेंट लिस्ट की बोर्ड CPU, ठीक है, ये पूरा का पूरा मेरे को फ्यूचर में अपग्रेड करना है, आई विल पुट अ डेडिकेटेड प्रोसेसर एंड अ ग्राफिक्स कार्ड थोड़ा मिड रेंज या हाई रेंज का, तब वो वहां पे काम आएगा। आपको इसी को 3-4 साल चलाना है अपना, नॉर्मल चीजें करने के लिए, ऑनलाइन क्लास लेने के लिए, यूट्यूब करने के लिए, और मीडियम सेटिंग्स वगैरह पे गेम्स खेलने के लिए, या कुछ गेम थोड़ा सा मीडियम प्लस हाई करके खेलने के लिए अपने एंटरटेनमेंट के लिए। तो आपको कोई इसमें कैबिनेट वगैरह हाई फाई कैबिनेट की जरूरत नहीं है। तो जिसमें पीछे अगर एक फैन है वो भी बढ़िया है, 2 फैन है तो दैट्स गुड। बिल्ड शुरू करते हैं, आखिरी बाय बोलते हैं GX202 को, और ये दोबारा लिस्ट होगा वेबसाइट विद NX210, और उसके भी लिमिटेड क्वांटिटी है। अगर वो भी चला जाता तो फिर कोई दूसरा कैबिनेट या दूसरा केस जिसको जो लिस्ट करेंगे, तो उसमें अगर मान लो 1-2 फैन कम हो तो डोंट वरी, इसमें इतना तगड़ा आपको एयर फ्लो या कूलिंग नहीं चाहिए। मीडियम नॉर्मल कूलिंग भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चलेगा। इट्स एन APU, जो भी आपके मीडियम लेवल की बजट वाले जो बंदे हैं 40,000 के आसपास के, उनके परफेक्ट है। I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Just
step back to see the truth around you. From a distance you can tell. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. To be